हेलो टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई एम दिव्या गाइस। तो आज मेरे हस्बैंड का ऑफ है, आज वेडनेसडे है तो वो घर पे ही होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं उनका फेवरेट खाना बनाती हूँ, क्योंकि उनको मसाला भिंडी बहुत पसंद है। तो आज मैं उनके लिए मसाला भिंडी बनाऊंगी प्लस रोटी बनाऊंगी इसके साथ। तो मैंने सोचा जब उनके लिए बना रही हूँ तो क्यों ना मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। देखिए विधान की हरकतें, मैं इसी को लेके थोड़ा सा वरिड हूँ, घिरे नहीं, इसलिए मैं बार बार उसको देख रही हूँ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए गाइस हमको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ये मैंने दो छोटे अनियन, इनको चॉप कर लिया है थोड़ा सा, और ये गार्लिक और अदरक का पेस्ट है, और ये आपका है टमेटो प्यूरी, टमेटो प्लस चिलीज, ग्रीन चिलीज की प्यूरी है ये। और ये है कुछ भिंडी, थोड़ी सी भिंडी ये मैंने फाइनली ये कट करके रख लिया है मैंने। और ये है मेरा स्पाइसेस जो मुझे ज़रूरी होंगे, ये है मेरा गरम मसाला, और ये है सब्जी मसाला, ये है हरा धनिया पाउडर, एंड ये है हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, और ये थोड़े से तेज पत्ता और क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा। तो ये सब चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी गाइस। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द रेसिपी। तो सबसे पहले मैं गैस ऑन करूँगी, इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाने देंगे। तो इसमें मैं अभी थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी मेरे को ये जो भिंडी है इसको थोड़ा सा भून लेना है और फिर मुझे इसे निकाल लेना है, फिर मैं दोबारा से ये सब डालकर अनियन वगैरह फिर इसको बनाऊंगी। तो अभी मुझे इसको बस थोड़ा सा भून लेना है 50% के, थोड़ा सा 50% पक जाएंगे, फ्राई कर लेना है इसको, इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाए आप इसमें भिंडी डाल देंगे, थोड़ा भुन चुका है तो उसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी, वापस सबसे निकाल लूँगी। और अब मैं दूसरे इस पर कढ़ाई चढ़ाऊँगी और अब हम फिर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अभी ये गर्म हो चुका है गाइस तेल, तो इसमें तेज पत्ता और क्यूमिन सीड इसमें डाल दूंगी। विधान क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड, क्या चाहिए विधान? अब इसको थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे गाइस, ये थोड़ा सा भून जाए, पक जाए सॉरी। इसके बाद मैं इसमें ये जो जिंजर गार्लिक का जो मेरा पेस्ट है गाइस ये मैं इसमें ऐड करूंगी। फ्लेम अभी थोड़ा सा हाई ही रखेंगे हम, क्योंकि अभी जलने जैसी कोई बात नहीं है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा हाई रखें या फिर मीडियम भी रखें कोई बात नहीं है। अगर आपकी जो जिसमें आप बना रहे हैं जिस बर्तन में वो पतला बर्तन है तो आप अपना फ्लेम को लो भी रख सकते हैं। और साथ के साथ हम ये अनियन इसमें ऐड कर देंगे, अनियन को थोड़ा भूनेंगे लाइट ब्राउन होने तक। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस ये अभी थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन होने लग रहा है। फ्लेम को अब आप थोड़ा सा कम कर लीजिएगा ताकि प्याज जो है आपका वो जल ना जाए। अभी मैंने जो इसमें ग्रीन चिलीज और टमाटो की जो प्यूरी बनाई है मैं वो इसमें ऐड कर देंगी।
मसाले रखे थे, ये सॉल्ट, हल्दी, गरम मसाला, सब्जी मसाला और धनिया पाउडर, ये सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं। ताकि ये थोड़ा सा मसाला पक जाए, उसके बाद में इसमें हल्दी ऐड करूंगी। अब हम इसके मसाले को थोड़ा सा पकने देंगे गाइस, भिंडी फिर हम उसके बाद ऐड करेंगे। अब एक बार गाइस मसाले को चेक करेंगे। देखिए गाइस मसाला पक रहा है, ऑयल क्योंकि सेपरेट हो रहा है मसाले से। अब मैं इसमें ये भिंडी ऐड कर दूंगी क्योंकि भिंडी भी इसके साथ साथ पकेगी तो मसाला भी साथ साथ बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो ये जो भिंडी है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। नाउ इफ़ यू वांट तो आप इसमें वाटर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा तरी वाला खाना पसंद है तो। लेकिन मेरे हस्बैंड को भिंडी थोड़ी सी ड्राई पसंद है, इस वजह से मैं मसाला भिंडी को थोड़ा सा ड्राई नहीं रखती हूँ, ये रोटी के साथ अच्छे लगे, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखूँगी और इसको पक दूँगी। बस मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी ताकि ये जले नहीं और चिपके नहीं। बस अब इसको मैं पकने दूँगी ताकि मेरी भिंडी कच्ची ना रहे और पक जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस एक बार हम इसको चला के देख लेंगे कि भिंडी जो है हमारी वो चिपक तो नहीं रही है, जल तो नहीं रही है, चिपक नहीं रही है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। आप लोग भी देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा दिख रहा है। अभी ये पकेगा गाइस भिंडी, क्योंकि नहीं तो कच्ची रह जाएगी। गाइस अभी हम एक बार फिर से चला के देखेंगे भिंडी अभी पकी है कि नहीं, इसलिए मैं इसको और देखिए गाइस अब भिंडी का पानी भी सूख चुका है और ऑलमोस्ट मेरी भिंडी भी पक चुकी है। यस आप इसको धनिया के पत्ते से गार्निशिंग भी कर सकते हैं और अगर आप नहीं भी करते हैं तो ठीक है, ओके दैट्स योर चॉइस। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही रखूँगी इसको। यस दिस इज रेडी। और अब आप इसको रोटी से भी ले सकते हैं, इसको आप रोटी से ले सकते हैं, आप इसे पराठों से ले सकते हैं, पराठा जिसके साथ पूरी से ले सकते हैं आप, तो ये बहुत अच्छा लगता है इस खाने में। सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। थैंक यू गाइस।